Ladies and gentlemen, good evening. My name is Lalit Rao. I'm a film critic and I am speaking to Mr. Somendra Harsh, who is the director and CEO of Rajasthan International Film Festival. Mr. Somendra, we have seen you here at Film Bazaar and also at IFFI. So what do you think, what do the Film Bazaar and IFFI help you in your festival? How do they help you in your festival? I already participate in Film Bazaar NFDC as a festival director. Festival director is a very good opportunity to meet the internationally and the nationally film festival director. Film Bazaar. कि यहाँ पे मुझे जो और भी दूसरे चाहे मैं स्टेट की बात करूँ चाहे वो पंजाब या कोलकाता या चेन्नई या बेंगलोर में जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं उनके फेस्टिवल आर्टिस्टिक डायरेक्टर से मिलने का मौका मिलता है प्लस जो भी और कैंस बर्लिन या इंटरनेशनल फेस्टिवल डायरेक्टर जो यहाँ आए हुए हैं उनसे भी मिलने का मौका मेरा ध्येय यही रहता है फेस्टिवल में जाने का कि फेस्टिवल पार्टनर होने से जो फिल्में फेस्टिवल में आती है बिल्कुल उन्हें बहुत मौका मिलता है कि आज कॉमर्शलाइज और उतना समय नहीं होता फंड या सिनेमा में जो फिल्म हॉल में रिलीज नहीं हो पाती है हाँ। अगर फेस्टिवल में उन्हें मौका मिलता है बिल्कुल। तो एक फेस्टिवल से दूसरे फेस्टिवल एक शहर से दूसरे शहर और एक शहर से दूसरे कंट्री में अगर किसी फिल्म को ट्रैवल किया जाता है या प्रोत्साहित किया जाता है तो एक फिल्म मेकर के लिए बहुत अच्छा मौका है मतलब अगर अलग शब्दों में कहे तो फिल्मों की जो अवेलेबिलिटी आसान हो जाती है ये आप कहना चाहते हैं बहुत सी फिल्में ऐसी हाँ। हो सकता है मैं नहीं देख पाया हाँ। और उनके पास इतना फंड नहीं था कि वो उसकी मार्केटिंग पर वो फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखी और उसको अच्छा प्रोत्साहन मिला हमने उसको अपने फेस्टिवल में लिया और अगर कोई फेस्टिवल और जैसे मैं एग्जाम्पल मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया नेपाल काठमांडू जिन फेस्टिवल से जुड़ा हुआ वो फेस्टिवल आर्टिस्टिक डायरेक्टर भी हमारे फेस्टिवल से ये उम्मीद करते हैं कि आपके फेस्टिवल में जो अच्छा कंटेंट आया है अच्छी फिल्में आए वो हमें दूसरे देश में भी हम उन्हें भेजें तो एक फिल्म मेकर को भी मौका मिलता है कि उसकी फेस्टिवल से दूसरे फेस्टिवल पे फिल्म जाती है प्रोत्साहित होती है तो उसको भी एक हौसला मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो और इस तरह की अच्छी फिल्में बनाए सो कहने का मतलब है फिल्म बाजार आप कॉन्टेक्ट के लिए कि जो अलग आर्टिस्टिक डायरेक्टर वो मिले कुछ पार्टनरशिप का मौका मिले जिससे आपको फिल्म मिल सके और जहाँ तक इफ्फी का सवाल है इफ्फी के बारे में मेरा प्रश्न है यहाँ पे आपकी प्रेजेंस किस प्रकार से होती है इफ्फी भी एक अच्छा क्योंकि एक मेला है मैं यहाँ पे भी जो आया हूँ आज अच्छे नॉलेज सीरीज टॉक से मैंने अटेंड किए हैं वहाँ पे नॉलेज सीरीज में वर्कशॉप मुझे आज अच्छी देखने को मिली और एक फिल्म जैसे आज न्यूटन जो कि ऑलरेडी राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आ रही है सबमिट हो रही है तो वो फिल्म भी मुझे देखने का मौका मिला तो यहाँ से भी कुछ अच्छी फिल्में कड़वी हवा है न्यूटन है कच्चा नींबू है ये ऐसी फिल्में हैं जो ट्रैवल होगी तो इफ्फी में मैं यहाँ पहले से शांतिपूर्वक फिल्में देख लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एज ए ऑर्गेनाइजर मुझे वहाँ समय नहीं मिलता है तो मैं एज ए जूरी भी कह सकता हूँ जो अपने अदर जूरी के साथ में इफ्फी में अच्छी फिल्में देखता हूँ और यही फिल्मों को अच्छा एक सिलेक्शन का मौका मिलता है और यही फिल्में फिर वहाँ राजस्थान में ट्रैवल करती हैं सो कहने का मतलब फिल्म बाजार कॉन्टेक्ट के लिए और इफ्फी आप फिल्म सिलेक्शन के लिए आते हैं जी चलिए इन्हीं के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपके राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 को उतनी सफलता मिले जितने की पास्ट एडिशंस को मिली हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर